बगोचा, ये एक लॉस्ट रेसिपी है बेसिकली पंजाबियों की। इसके लिए मैंने देसी घी ले लिया है। आप कहेंगे कि खिचड़ी है, नहीं, मेरे पास से उड़द दाल की वड़ी है। ये मैंने अमृतसर से मंगवाई थी। इसको हम इसके अंदर घी के अंदर फ्राई करेंगे। बहुत ही देसी रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर वड़ी नहीं भी है तब भी आप इसको बिना वड़ी के भी बना सकते हो। बेसिकली हमें इसको वड़ी को फ्राई करना है। और अब मैं इसको निकाल लूँगा। और अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगा जीरा। ये जाएगा इसके अंदर हींग। मेरे खाने में हींग ज़रूर होती है, बिना हींग के मैं खाना ही नहीं बनाता हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव एजेंट है और कभी भी आपको जो है गैस नहीं करेगा। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया प्याज। ये ध्यान रखिए कि हमें जो है इसको ब्राउन नहीं करना, इसको ट्रांसल्यूसेंट ही रखना है, कच्चा पक्का। इस टाइम पे मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा नमक। ये प्याज हमारा ट्रांसल्यूसेंट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर। टमाटर को हमें गलाना है। थोड़ा नमक और डालूंगा, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ये इसमें जाएगा पानी। बस हमारा ये मसाला है रेडी हो चुका है। हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं भूनना। इस टाइम पे डालूंगा मैं इसमें हल्दी, पिंच चीज़ इसके अंदर मैं डालूंगा, देगी मिर्च, और ये जाएगी इसके अंदर लाल मिर्च। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा चावल जो मैंने पहले से भिगो के रखे थे। और चावलों को इसके साथ भून लूंगा थोड़ा सा। इसमें मैं इस चीज का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि चावल टूट रहा है या कुछ है। बस यह है कि चावल को बुनाई अच्छी तरह से करनी है इसमें। चावल नीचे इसके बेस पे, लगन के बेस पे चिपकना चालू हो गया है। इसका मतलब है कि चावल हमारा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा ये वड़ी जो मैंने फ्राई करके रखी थी। ये हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगा पानी। इसको हम ढक देंगे, 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे हल्की आंच में। ये देखिए, ये जो हमारी चावल वड़ी की सब्जी या बगोचा आप कह, मैं जिसे हम बगोचा कहते हैं, तकरीबन तैयार है। ये वड़ी भी इसमें गल चुकी है, ये देखिए, गल के अपने आप टूट गई है। इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगा। थोड़ा सा इसको मैश कर लें चावल को। और अब इसमें जाएगा खूब सारा हरा धनिया। बस ये जो हमारी चावल बड़ी की सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है। खिचड़ी नहीं है, आप इसको खिचड़ी मत समझिएगा। ये जाएगा इसमें गरम मसाला लास्ट में। और ये धनिया। तो हमारी जो ये चावल वड़ी की सब्जी जिसे हम बगोचा कहते हैं रेडी है सर्व करने के लिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी है chef.anirudh80। सो शेफ अनिरुद्ध सेठी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।